16 से 23 फरवरी तुला राशि। इस समय पे 16 और 17 तारीख शुभ तारीखों में गिनना होगी, अच्छे दिन रहेंगे। अशुभ तारीख 16 से 23 फरवरी के समय में इन लोगों की नहीं आ रही है। अगर हम मास आरंभ में स्थिति देखें ग्रहों की, तो केतु तुला राशि के होकर लग्न भाव में है, बुध धनु राशि के होकर तृतीय भाव में है, सूर्य मकर राशि के होकर चतुर्थ भाव में है, शुक्र शनि कुंभ राशि के होकर पंचम भाव में है और बृहस्पति मीन राशि के होकर षष्ठम भाव में है, राहु मेष राशि के होकर सप्तम भाव में है, चंद्र मंगल वृषभ राशि के होकर अष्टम भाव में चला है। अब अगर हम बात करते हैं 16 और 17 फरवरी की, तो शुभ कार्यों में धन खर्च होगा जो कि फायदेमंद रहेगा। ऐसा खर्चा जो फायदेमंद रहेगा, पितरों का आशीर्वाद लेने से सौभाग्य बनेगा, भाग्य जागेगा, आशीर्वाद लेते रहें। मेहनत करने से सुखों की वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे जो काफी लंबे समय से अटके आ रहे हैं, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। 18 और 19 को समय खराब व्यतीत होगा, मानसिक तनाव कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। ज्यादा बातें ना करें, बातों पर नियंत्रण रखें, कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो आगे मुंह से जो आगे चलकर परेशान कर सकती हैं। महिला मित्रों से खासकर सावधान रहें, जो महिलाएं हैं वो पुरुष मित्रों से खासकर सावधान रहें। न्यायालय में झूठी गवाही अपयश का कारण बन सकती है, ऐसा ना करें। लॉटरी जुआ सट्टा से दूरी बनाएं, उत्तेजना से किसी का अपमान नहीं करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, गुस्सा यहाँ पर अधिक आ सकता है। 20 और 21 को पढ़ाई करने वाले जातकों को राहत महसूस होगी, अच्छा महसूस करेंगे, अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर पाएंगे। ओम सरस्वते नमः मंत्र का जाप रोजाना करें या श्री गायत्री मंत्र की माला करें तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ी रहेगी। 22 और 23 को संपत्ति के अटके काम पूरे होंगे, अपने बच्चों को गाइडेंस शिक्षक से अधिक सलाह मशवरा आप लोग यहाँ पर